तू कुछ ऐसा करके दिखा, झुक जाए फिर सारा जहां। जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। दो फोल्डर आपके लिए स्पेशली डेडिकेट हमारे तरफ से किया जा रहा है। अगर आप साइंस प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले हम ये कहेंगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कंसेप्ट प्लस आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं। कंसेप्ट वाले वीडियोस जहां आप क्वेश्चंस छोड़ के आते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप एग्जाम में खोजोगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ है, और उस क्वेश्चन को चुन चुन के सॉल्व करके आओगे। तो दो वीडियो अब आएगा आपके लिए, एक होगा कंसेप्ट वाला और एक होगा जिसमें हम स्पीडी के क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे। आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक नीचे है, व्हाट्सएप पे आप जरूर जुड़े, ठीक है। जो भी सुबह का मॉर्निंग का आपको साइंस का दिया जाता है उसको आप कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी आपका दिया हुआ है नीचे, आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए और एक चीज, ठीक है, इसको हम और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बट अभी आप थोड़ा मेरी बातों पे आप बस ध्यान देना, ठीक है। मैं क्वेश्चंस बताता हुआ जाऊंगा और आपको क्या करना है, आपको बस सुनते हुए चलना है, ठीक है। सुनते हुए चलना है और देखना है कि सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी पॉइंट्स कनेक्ट करूंगा ध्यान से सुनिएगा, सब लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको भी मैं कनेक्ट करते हुए चलूंगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य का जो शुक्राणु होता है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो जो इंग्लिश वाले उनको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो मनुष्य का शुक्राणु डेट मीन स्पर्म जो होता है, ठीक है, कि आयु कितनी होती है। तो याद रखेगा 48 से 72 घंटे तक ही वो जीवित रह सकता है, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मनुष्य के शुक्राणु डेट मीन स्पर्म की आयु कितनी होती है, तो 48 से लेकर आपको याद रखना है 72 घंटे। आप दो तीन क्वेश्चन याद रखोगे, सबसे पहले याद रखोगे शुक्राणु बनाता कौन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला टेस्टिस, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, वीर्षण बोलते हो, तो टेस्टिस याद रखिएगा, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो अगर आपको दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बोलते, बीपीएससी का भी पेपर उठाओगे, तो अगर आपको बोले कि फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या मैंने बोला, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लिखूंगा नहीं, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सुनते हुए चलिएगा ध्यान से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो क्या है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन। और अगर आपको बोले कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेल में नसबंदी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है क्या बोलते हैं उसको, वेस्केटोमी। क्या बोलते हैं, वेस्केटोमी। अगर मैं वही बात बोलूं कि जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल में जो नसबंदी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूबेक्टोमी। तो मेल में नसबंदी को हम लोग वेसेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल में जो नसबंदी होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये आप इतना याद रखोगे, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये आप याद रखेगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, बेसिकली वो कहाँ होता है, तो आपको याद रखें अंडवाहिनी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब। तो आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा फीमेल है, डेट मीन जो ओमेन होती है, ठीक है, जो गर्ल्स होती है उसमें ओवरी कितना होता है, तो याद रखिएगा जो फीमेल में जो ओवरी होता है वो दो होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो, ठीक है, आपका जो ह्यूमन बींग है, जो ओमेन है, उसमें तो दो ओवरी होता है, दो अंडाणु होता है, ठीक है, बट जो ये होता है क्या आपका जो बर्ड होता है उसमें कितना होता है, तो उसमें आपको बोलना है कि उसमें एक एक होता है। बर्ड में एक होता है आपका क्या, ओवरी, ठीक है, और आपका जो ह्यूमन बींग है, दैट मीन्स जो आपका फीमेल है, उसमें कितना होता है, दो होता है, याद रखिएगा। और जो आपका ओवरी है वही क्या बनाता है आपका, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये क्या बनाता है, जो आपका टेस्टिस है, ठीक है, वो क्या बनाता है आपका, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। टेस्टिस मतलब होता है वृषण, ओवरी मतलब होता है आपका अंडाणु, ठीक है, इतना याद रहेगा। और याद रखिएगा जो भी चीज मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि जो पलक होता है हमारा, पलक, ठीक है, पलक के
किनारे कौन सी ग्रंथियां होती है, मतलब जो पलक का जो किनारा होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें ग्रंथियां कौन सी होती है, ठीक है, ग्रंथियां मतलब इसमें ग्लैंड कौन सा होता है, तो आपको याद रखना इसमें होता है का मोबियन ग्लैंड, ठीक है, क्या होता है, मीबोबियन ग्लैंड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मीबोबियन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड, तो हमारा आंख का जो पलक होता है उसमें कौन सा ग्लैंड होता है, तो मीबोबियन ग्लैंड, और जो हम लोग जो हमारा आंसू निकलता है वो कौन से ग्लैंड से निकलता है, वो कौन से ग्रंथि से निकलता है, तो आपको याद रखना है लैक्मेरियल ग्लैंड, क्या बोलते हैं उसको, लैक्मेरियल ग्लैंड, ठीक है, लैक्मेरियल ग्लैंड, ठीक है, अगर लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लैक्मेरियल ग्लैंड, ठीक है, मैं बोलते हुए चलूंगा आप सुनते हुए चलो, तो हमारे आंख के पलक में कौन सा आता है, मीबोबियन ग्लैंड, और हमारा जो आंसू निकलता है कौन से ग्लैंड से, तो लैक्मेरियल ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन, यहाँ आंख की बातें चलिए, आंख तो आई से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं, मेरे साथ रहोगे अगेन आई एम टेलिंग यू यू विल बी मास्टर, ठीक है, साइंस से मास्टर हो जाओगे आप। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी देखो जो बोलता हूं ना क्वेश्चन छप जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको चलो उस पे नहीं जाएंगे, आप देखो सबसे पहले हम लोग आईज का बात करते हैं, आंख, आंख का सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आंख का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो पारदर्शी वाला पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉर्निया, पहला क्वेश्चन, जो हम लोग ट्रांसपेरेंट वाला पारदर्शी वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। दूसरा क्वेश्चन, जब हमारा बोलते हैं ना आंख दान करते हैं, तो आंख कौन सा भाग आंख का दान करते हैं, तो बोलोगे कॉर्निया। तीसरा, अगर आपका आंख खराब होता है तो किस डॉक्टर से दिखाते हो, जैसे आपका हार्ट खराब होगा, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा दिल में, तो किससे दिखाओगे, आप कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाओगे। उसी तरीके से अगर आंख में कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरे तरफ देखो, ठीक है, आंख में अगर कोई प्रॉब्लम होती है किससे दिखाओगे, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, किससे, ऑप्टोमोलॉजिस्ट, ठीक है। तीन क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो हमारा आंख है, ठीक है, जो हमारा आंख है, ठीक है, इसमें जो कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है, आंख का कौन सा भाग डिसाइड करता है, तो क्या बोलोगे, आइरिस करता है, क्या करता है, आइरिस। आइरिस का दो काम, एक तो ये आंख आपका आंख का कलर डिसाइड करेगा, दूसरा आपके आंख में कितना, ठीक है, कितना रोशनी अंदर जाएगा, ठीक है, वो भी कौन डिसाइड करता है, तो वो भी आपका आइरिस करता है। तो दो क्वेश्चन बनता है, आंख जो आंख के अंदर जो आपके लाइट जाता है वो कितना जाएगा, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस करता है। दूसरा, आपका आंख का कलर कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है, तो आपका आइरिस ही करता है। बट आंख, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो हमारा जो लेंस है, ठीक है, जो हमारा आंख में जो लेंस है वो किस तरीके का लेंस है, तो आप क्या बोलोगे, किस तरीके का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। किस तरीके का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, आपको याद रखना है, समझ में आया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कैमरा का फिल्म है, ठीक है, कैमरा का जो फिल्म है, तो हमारा आंख का कौन सा भाग है जो कैमरा के फिल्म की तरह काम करता है, तो क्या बोलोगे, रेटिना, और रेटिना पे ही जो हमारा प्रतिबिंब है और इमेज कहां बनता है, तो आपका कहां बनता है, आपका रेटिना पे ही बनता है। और कैसा बनता है ये भी पूछा गया है, तो रियल, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। बाकी जो जिनको पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ेंगे, और जिनको चटपट्टी करना है, क्वेश्चन किए चले गए, ठीक है, मैं वैसे नहीं पढ़ा सकता, सिंपल सी बात, मतलब पता नहीं, इनर सोल जो होता है, अंदर आत्मा, वो बोलती नहीं है मुझे कि मैं उस तरीके से करूं, क्योंकि वो उतना लाभदायक होगा नहीं आपके लिए। ऐसे व्यूज ज्यादा आते हैं उस पर, मैंने देखा है कि जल्दी जल्दी एक दो, बट क्या कर सकते हैं, अब मन नहीं मानता है तो नहीं मानता है, देखेंगे हम भी आगे, ठीक है। तो ये हो गया मनुष्य वाला, ये हो गया आपका पलक वाला। मनुष्य की आहार नाल कि किस भाग में कोई इंजाइम नहीं पाया जाता है। इंजाइम्स बेसिकली क्या होता है, इंजाइम्स हमारा पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। इंजाइम्स क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को पूछा जाएगा भाई, पूछा जाता है बेसिकली, जितने भी इंजाइम्स है वो क्या है, क्वेश्चन पूछा गया, जो इंजाइम्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, जो इंजाइम्स है वो प्रोटीन होते हैं बेसिकली, ठीक है। क्या होता है, आपके प्रोटीन होते हैं, क्या करते हैं, तो हमारा कोई भी जो रिएक्शन है बॉडी में, चाहे फूड का डाइजेशन का हो गया, उसको फास्ट बनाते हैं। तो मतलब इंजाइम एक उत्प्रेरण की तरह काम करता है, डेट मीन्स ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जिनको फायदा उठाना है ड्रीम डोज से, वो सिलेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है, और बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। तो मनुष्य की आहार नाल में किस भाग में कोई इंजाइम नहीं होता है, तो याद रखिएगा, आहार नाल, ठीक है, जो हमारा आहार नाल होता है, जो फूड पाइप होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ग्रसिका जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफेगस, इसमें क्या होता है आपका कोई भी, ठीक है, ये इंजाइम रिलीज नहीं करता है। अब पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा जो डाइजेशन है, पाचन है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि
जो आपका मुख गुहा है, चाहे विंड पाइप जो आपका फूड पाइप है, ठीक है, ग्रसिका है, वो आपका मुंह से इस तरीके से स्टार्ट के पूरा पेट तक आएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बोलोगे आप मुख गुहा, दैट मींस मुंह से, माउथ से स्टार्ट होता है पाचन, ठीक है। बट मुंह में जो पाचन होता है किसका होता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो बोलेगा पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो मुंह से होता है। किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। बट अगर बोलेगा कि प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे पेट से, सब पढ़ाया गया ऐसे, पेट से, प्रोटीन पेट में जाके, मतलब अमाशय में जाके प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो मुंह में, ठीक है, किसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो आपका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और मुंह में पाचन कौन करता है, तो दो आपको एंजाइम याद रखना, एक है एमाइलेस, सेलेवरी एमाइलेस, और दूसरा है टाइलिन, ठीक है। और पेट में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो आपको याद रखना है पेप्सिन, ठीक है। ये भी पूछा गया था, ईएसआई में पूछा गया था, याद रखिएगा जो पीएच होता है, क्योंकि हमारा जो पेट है उसमें कौन सा एसिड होता है, एचसीएल होता है, ठीक है। तो पीएच कितना बनाता है, गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है इसमें, गैस्ट्रिक जूस, तो पीएच होता है 2.5, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य याद रखना, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया, तो मैं बताते हुए चलूंगा। जो पित्त जो होता है, मतलब जो आपका बाइल जूस होता है, ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है, तो जो आपका फैट है, जो वसा है, उसको तोड़ने के लिए काम आती है क्या, आपका बाइल। तो सबसे पहले अगर पूछेगा जो पित्त होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, वो कहां से रिलीज होता है, तो क्या बोलोगे, लीवर से रिलीज होता है, ठीक है, लीवर। दूसरा क्वेश्चन, ये बनाता तो लीवर है पर स्टोर कहां होता है, तो पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसका काम क्या है, तो बोलोगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इमल्सिफिकेशन मतलब होता है फैट को तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट, मतलब वसा को तोड़ने में काम आता है आपका पित्त रस। बट याद रखिएगा पित्त जो रस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये कभी पाचन में हेल्प नहीं करता है, सिर्फ तोड़ता है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि डाइजेशन कर देगा पूरा, ठीक है, आप इतना याद रखोगे। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ लीवर का बात किया गया, तो लीवर से क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो यूरिया बनाती है, तो आप क्या बोलोगे, लीवर। लीवर क्या बनाती है, यूरिया बनाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि आपका विटामिन ए, ठीक है, और आपका ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन ए और ग्लाइकोजिन आपके लीवर में स्टोर होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको कि हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा जो हमारा ग्लैंड है, ठीक है, वो है आपका लीवर, ठीक है, याद रखिएगा। रुधिर किसका प्रकार है, तो याद रखिएगा एक संयोजी ऊतक, रुधिर क्या है, संयोजी ऊतक, दैट मींस ये कनेक्टिव टिश्यू है, आपको याद रखना है। अगर नॉर्मली आप एक एडल्ट हो, ठीक है, तो अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो आपका जो कितना ब्लड होगा, 4 से 5 लीटर ब्लड होगा, बट अगर आप मेल हो तो 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। पहला ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर। बट अगर वही मैं बोलूं कि जो आपका जो रक्त परिसरण तंत्र है, ठीक है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उसका डिस्कवर किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। साइटोकाइनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस मियोसिस में इन डिटेल में उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस किसका विभाजन होता है, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य। तो सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा ये गया था कि जो आपका साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस जो है, ठीक है, उसमें किसका विभाजन होता है, तो आपको याद रखना है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब होता है साइटोप्लाज्म। आप दो क्वेश्चन यहां से याद रखोगे। अगर आपको पूछा गया कि ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या मैंने बोला, ग्लाइकोलाइसिस, GLY, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। बट अगर आपको बोले कि क्रैब साइकिल कहां होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्रैब साइकिल कहां होता है, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, आपका क्रैब साइकिल कहां बनता है, ठीक है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, तो जीव द्रव्य जो है उसका विभाजन होता है, उसको ही हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं कि अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो याद रखिएगा कौन सा एंजाइम, तो अमाशय का जो दीवार होता है, ठीक है, पाचन में वहां हेल्प होता है, तो आपको याद रखना है गैस्ट्रिन, क्या निकलता है आपका, गैस्ट्रिन जो है आपका वहां से निकलता है, ठीक है। आगे आ जाइए, इसको थोड़ा एक्चुअली हम एक्स्ट्रा आपके लिए लिखने के लिए कुछ कुछ किए थे, ठीक है,
तो ये थोड़ा ये हो गया, बट कोई बात नहीं, आज आप समझ लो, अगली बार से क्लियर रहेगा, ठीक है। देखिए जाति शब्द, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एकदम रट के रखना पड़ेगा, इसका कोई समझने में कुछ नहीं, कि जाति शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले जो जाति शब्द है किसने यूज किया था, तो जॉन रे ने किया था। किसने? जॉन रे ने किया था। सभी जैविक, ठीक है, यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, जितना भी जैविक यौगिक दैट मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या है कि जो चीज रहता ही रहता है, तो आपको याद रखना है ये है आपका कार्बन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी अमल है, जितना भी अमल है उसमें एक तत्व रहेगा ही रहेगा, तो वो क्या है आपका हाइड्रोजन। सब अमल में रहेगा, सब एसिड में रहेगा, ठीक है। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एच को, हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूचर का ईंधन बोलते हैं, ये भी चीज आपको याद रखना है। और पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड में, धरती पे अगर पूछा जाए कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट, तो आपको बोलना ऑक्सीजन, ठीक है। बट अगर बोले कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, तो आपको याद रखिएगा ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो सब अमल में ये पाया जाता है। उसी प्रकार से जितना भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपका जैविक यौगिक है, उसमें क्या पाया जाता है, तो कार्बन, ठीक है। अब याद रखना, कार्बन से जितना ज्यादा कार्बन होगा आपका जो कोयला जो होता है वो उतना अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट, ठीक है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट, ठीक है। और भूरा कोयला किसको बोलते हैं, तो हम लोग लिग्नाइट, ठीक है, याद रखिएगा ये है आपका कार्बन। एक क्वेश्चन याद रखना, कार्बन से पूछा जाता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी, में इसको लिख देता हूं, कैटेनेशन, CATENATION, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी है बेसिकली किसके द्वारा ये शो किया जाता है, कौन सा तत्व के द्वारा, तो कार्बन। ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, जब कार्बन लॉन्ग चेन बना लिए थे, दैट मींस आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था लॉन्ग चेन, CH का चेन बनाता है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है आपके कार्बन के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जीवाणुओं में, ठीक है, रूपांतरण की खोज किसने की थी, तो जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना, जीवाणुओं में जो रूपांतरण की जो खोज की गई थी, ये की गई थी आपको ग्रिफिथ के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रिफिथ के द्वारा। तो जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन रे, ये नया हो सकता है आपके लिए। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो आपका ग्रिफिथ। रूपांतरण मतलब डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में, उसका डिस्कवर किसने किया था? तो ग्रिफिथ ने किया था, ठीक है। अब बैक्टीरिया से दो चार क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले याद रखोगे बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो किस टाइप का सेल है, मतलब किस टाइप का है, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल। यूनिसेलर में भी प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा, एक यूकैरियोटिक पढ़ा होगा, तो जो बैक्टीरिया है उसको क्या बोला जाता है, वो प्रोकैरियोटिक में आता है। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी किसको बोला जाता है, बैक्टेरियोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा एंटन वेन लुएनहिक को, किसको, इसको जनक बोला जाता है या फादर, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी अगर पूछेगा तो आपको बोला जाएगा आपका फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी किसको बोला जाता है, आपको किसको, आपको एंटन वेन लुएन हुक को, ठीक है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, जो हमेशा पूछा जाता है, जो बैक्टीरिया जो होता है उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, बहुत बार ये पूछा गया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का, उत्तर का। तो जो बैक्टीरिया में क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखिएगा। टीबी जो बीमारी है, ठीक है, वो बैक्टीरिया से होता है, वो सबको पता होगा, ठीक है। तो टीबी का जो बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है, तो पूछा गया था कि टीबी का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है, अगर आपको नहीं पता है तो खैर पता होना चाहिए, बट जो टीबी का बैक्टीरिया है ये किसने खोजा था, तो उनका नाम याद रखिएगा रॉबर्ट कोच। क्या मैंने बोला? रॉबर्ट कोच, याद रखिएगा। और टीबी को एक और नाम से जाना जाता है, व्हाइट प्लेग, ठीक है, कौन सा नाम, बहुत खतरनाक बीमारी, व्हाइट प्लेग। तो व्हाइट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है आपका टीबी, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इतना चीज आप याद रखोगे। डार्विन ने, ठीक है, जीवन जीव जा जीव जाति, ठीक है, जो जीव जातियों होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार रुक जाइएगा, ठीक है। तो डार्विन, देखिए, तो डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई थी? डार्विन का दो चीज आपको याद रखना है। पहला, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, दैट मीन्स इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था,
ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत तो आपको याद रखना है, डार्विन ने दिया था। उसके बाद इन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी, दोनों आपको याद रखना है, विकासवाद का सिद्धांत दैट मीन्स इवोल्यूशन का थ्योरी, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी, ठीक है, प्राकृतिक चयन, ठीक है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी दिया गया था डार्विन। दो क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इन्होंने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, तो ये जो बुक है याद रखिएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो डार्विन। हमेशा मैं दो तीन बुक आपको हमेशा बायोलॉजी में करवाता हूँ, पहला मतलब साइंस में प्रिंसिपिया किसके द्वारा लिखा गया था, न्यूटन के द्वारा। एक मैंने बताया था सिस्टम नेचुरा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम नेचुरा, ठीक है, तो जो सिस्टम नेचुरा है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो कार्ल लिनियस के द्वारा, किसके द्वारा, कार्ल लिनियस के द्वारा। ये वही कार्ल लिनियस है जिसने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, पादप जगत और आपका मतलब पादप और आपका जंतु, दो जगत में पूरे मतलब वो इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें एक जगत था आपका प्राणी मतलब जंतु जगत और एक जगत एक था आपका पादप जगत मतलब एनिमल, और प्लांट में पूरा कैटेगराइज किया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आपको याद रखना है कार्ल लिनियस ने। सिस्टम नेचुरा किसने लिखा, तो आपको याद रखना है कार्ल लिनियस ने, ठीक है, और याद रखिएगा फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी, ठीक है, मॉडर्न बोटनी का, ठीक है, मॉडर्न बोटनी का पिता किसको बोला जाता है, तो कार्ल लिनियस को। बट सिर्फ पूछेगा कि बोटनी का पिता किसको बोला जाता है, तो थियोपेरेटस को। पेपर में जब बैठोगे तब समझ में आएगा कि सर क्यों इतना बकबक कर रहे थे, ठीक है। एमाइबा का जो प्रजनन अंग होता है वो क्या होता है, तो कूटपाद, जिसको हम लोग सुडोपोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुडोपोड, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब एमाइबा का अगर मैं दो तीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो याद रखो कि एमाइबा का प्रजनन अंग क्या कहलाता है, तो कूटपाद या सुडोपोड, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन याद रखोगे जो एमाइबा जो ये कौन सा, ठीक है, किंगडम में आता है, तो याद रखेगा प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, किसमें आता है, प्रोटिस्टा किंगडम में। पहला क्वेश्चन, अगर ये प्रोटिस्टा किंगडम में आता है तो क्या होगा, एक यूनिसेलर यूकैरियोटिक सेल होगा, याद रखना। सबसे पहले क्या है, जो आपका एमोइबा है क्या है, आपका एक प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, और ये एक यूनिसेलर है, और ये यूकैरियोटिक इसमें सेल होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सांप का जो जहर होता है वो क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन होता है, आपको याद रखना है क्या होता है, प्रोटीन। और 20 यूनिट ऑफ जब एमिनो एसिड मिलता है, ठीक है, कितना यूनिट, 20 यूनिट जब एमिनो एसिड मिलता है तो क्या बनाता है, आपका प्रोटीन बनाता है, ठीक है। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है, प्री कैम्बियन, कब, प्री कैम्बियन काल में हुआ है आपका जीवन का उत्पत्ति। किस संघ की जाति की संख्या सबसे ज्यादा है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले ये बताओ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, विटेकर साहब के द्वारा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण के पिता किसको बोला जाता है, ये सब पढ़े हो ना, तो वर्गीकरण का जो पिता माना जाता है कार्ल लिनियस को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, पांच जगत में जो डिवाइड किया गया था वो दिया गया था विटेकर साहब के द्वारा, और उसमें ही एक जो आपका फाइलम था वो था आपका एंथ्रोपोडा। तो एंथ्रोपोडा में क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रजाति मिलती है, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि इंसेक्ट जो है, जितनी भी आपकी कीट है वो भी किस में आता है, तो आपका एंथ्रोपोडा में ही आता है, अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ आ जाइए, ये है सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है, तो याद रखिएगा टर्टल की होती है, ठीक है। एमिनो एसिड का सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था, तो याद रखिएगा वो क्या था, स्टेनले एंड मिलर ने, किसने किया था, स्टेनले एंड मिलर ने किया था, ये चीज आपको याद रखना है। 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड मिलता है तो फिर क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। बाकी आप बताइएगा कैसा लगा, ठीक है, इसी तरीके से रोज अगर हम लोग 50 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो समझ जाइए कि एग्जाम तक हम लोग बहुत क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, और कंसेप्ट वाले वीडियोस आते रहेंगे, आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।